वाट इज़ रेस्पिरेटरी सिस्टम? रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द नेटवर्क ऑफ ऑर्गन एंड टिश्यू दैट हेल्प यू ब्रीथ। दिस सिस्टम हेल्प यू बॉडी एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर सो योर ऑर्गन कैन वर्क। इट ऑल्सो क्लीन वेस्ट गैसेज सच एज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम योर ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्चुअल क्या होता है, सिर्फ दो चीज़ों को मैटर करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। ऑक्सीजन लेते कहाँ से? नोज और माउथ के थ्रू ऑक्सीजन लेते, और ये ऑक्सीजन जो प्रेजेंट रहता है अपने एयर और क्लाइमेट में प्रेजेंट रहता है। जब भी हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन लेते हैं, और जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे ब्लड से लंग्स में आता है, लंग्स से हम जब सांस छोड़ते हैं तब वो बाहर निकलता है। राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। राइट द नेम ऑफ पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें कौन से पार्ट्स इंक्लूड होते हैं? तो सच एज अपना पहला सेक्शन में नोज, माउथ, थ्रोट, वॉइस बॉक्स, वाइंड पाइप, लंग्स, डायफ्राम। तो ये हमारा लॉन्ग लंग्स और नोज हुआ, ये माउथ सेक्शन हुआ, ये अपना रेलिंग्स वाले साइड में अपना वाइंड पाइप और एपिग्लोटिस, जहाँ से हमारा मेन रोल जो फ्लो होता है, मींस कि एपिग्लोटिस क्लोज होता है एयर के लिए और एपिग्लोटिस ओपन होता है एसोफेगस में अपना फूड मटेरियल जाने के लिए। तो यहाँ पे ये मेन पोर्शन है। देन नेक्स्ट, और डायफ्राम हमारा ये सेक्शन, जब भी हम सांस लेंगे तो हमारा डायफ्राम एक्सपांड होएगा, मींस कि एडजस्ट होएगा, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो हमारा डायफ्राम रिलैक्स होएगा। तो ये बाकी का इसमें देखते हैं। व्हेन वी ब्रीथ द रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक इन ऑक्सीजन, जब हम सांस लेंगे तो उस टाइम हम क्या लेंगे? ऑक्सीजन एंड सेंड आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और हम बाहर क्या छोड़ेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। द सेल इन आवर बॉडीज नीड फ्रेश ऑक्सीजन टू स्टे अलाइव। हमारे बॉडी में जो छोटे छोटे शुक्राणु रहते हैं, सेल्स रहते हैं, उनको जिंदा रहने के लिए और उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन लगता है। एज सेल डू देयर जॉब दे मेक अ गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जब वो ऑक्सीजन लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। दिस एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ड रेस्पिरेशन, और इसी लेन देन को, मीन्स ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, इसी चीज को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। द डायफ्राम इज अ मसल बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमल दैट अलो द बॉडी टू मूव एयर इन एंड आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो जो ये एब्डोमन है, ये जो डायफ्राम है, एब्डोमन मीन्स जो हमारा स्टमक, लीवर जो भी प्रेजेंट रहता है ये, और जो हमारे ऊपर का चेस्ट पोर्शन है, इस बीच में हमारा ये एब्डोमन रहता है। तो मेन एब्डोमन का रोल रहता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो वो कैसे क्या करता है? द डायफ्राम इज बिटवीन द चेस्ट एंड एब्डोमन दैट अलो द बॉडी टू मूव एयर इन एंड मूव आउट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो डायफ्राम जो एक अपना मस्कुलर है बिटवीन चेस्ट और एब्डोमन के, तो उसके जरिए हमारा हवा अंदर आता है और बाहर जाता है। व्हेन यू ब्रीथ इन इनहेलेशन द डायफ्राम मूव डाउन टूवर्ड द एब्डोमन एंड रिब मसल पुल द रिब अपवर्ड एंड आउटवर्ड। अभी देखो, जो हम ब्रीथ इन करते हैं तो अपन उसको इनहेलेशन बोलते हैं। तो जब उस टाइम डायफ्राम क्या होता है, मूव डाउन टूवर्ड द एब्डोमन, एब्डोमन के तरफ में वो डाउन होता है, एंड रिब मसल पुल द रिब अपवर्ड, और जो रिब मसल, जो रिब्स रहते हैं, जो हमारे चेस्ट के बोन्स रहते हैं, वो अपवर्ड मीन्स ऊपर के तरफ से फूलते हैं। तो ऊपर के तरफ से क्यों फूलते हैं? क्योंकि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो एयर से फुल हो जाता है। तो एयर से फुल होने की वजह से अपना जो रिब बोन से वो अपवर्ड डायरेक्शन में फूलता है, और जो ये फूलने की वजह से हमारा जो एब्डोमन रहता है वो नीचे की तरफ दबता है। दिस मेक द चेस्ट कैविटी बिगर एंड पुल एयर थ्रू द नोज एंड माउथ इन टू द लंग्स, और वो एयर फुल होने की वजह से, हमारे लंग्स में एयर फुल होने की वजह से वो फुल हो जाता है, मीन्स बड़ा हो जाता है। वेन यू ब्रीथ आउट एक्सहेलेशन द डायफ्राम मूव अप एंड द चेस्ट वॉल मसल रिलैक्स कॉजिंग द चेस्ट कैविटी टू गेट स्मॉलर एंड पुश एयर आउट रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द नोज और
माउथ। अभी हम मुंह या नोज के जरिए जब ऑक्सीजन छोड़ते हैं तो ब्रीथ आउट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो उस टाइम क्या होता है कि डायफ्राम जो रहता है वो अप के तरफ हो जाता है, जो डायफ्राम रहता है वो अपना अप के तरफ हो जाता है। ये डायफ्राम जो है अप के तरफ होता है, और जो रिब केज मसल रहता है वो रिलैक्स हो जाता है। तो ये आउट होने का टाइम, ये अपोजिट सेक्शन से आप समझ के लेना कि जब भी हम ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा डायफ्राम अप डाउन होएगा और रिब मसल एक्सपांड होएगा, और जब ऑक्सीजन छोड़ेंगे तो उस केस में हमारा डायफ्राम अप होएगा और रिब केज मसल रिलैक्स होएगा।